नमस्कार दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल आर्ट सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख पा रहे हो आपके, ये यानी कि सुपर स्प्लेंडर BS6 वाला मॉडल है। ठीक है फ्रेंड, BS6 टेक्नोलॉजी वाला जो मॉडल आया है, यानी कि वो सा मॉडल है, यानी कि इधर i3 सिस्टम भी है इसमें और सुपर स्प्लेंडर 125cc और BS6 मॉडल ये देख रहा हूँ आपके FI वाला वर्जन है ये। और आज की वीडियो फ्रेंड मैं ये बताऊंगा आपको, यानी कि ये जो हॉर्न देख रहा हूँ आपके, ये जो हॉर्न है इसमें, यानी कि हॉर्न इंस्टॉल किए हैं ये मैंने फिलहाल। और कभी आप कभी परेशान हो, यानी कि कुछ जो नई गाड़ियां हैं, नई गाड़ियों को नई टेक्नोलॉजी है, यानी कि कभी आप ये सोच रहे हो क्या इसमें क्या मतलब, यानी कि थोड़ा सिस्टम अलग हो हॉर्न लगाने का, यानी कि सेंसर पे, यानी जो इसमें सेंसर वेंसर लगे होते हैं, फर्क पड़ेगा इसमें, तो ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा फ्रेंड। इसमें जो है प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने ये जो हॉर्न लगाए हैं, यानी कि ये देख रहे हो आप, ये हॉर्न बज रहे हैं इसमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो हॉर्न लगाने का तरीका जो है फ्रेंड, बिल्कुल सेम जो ओल्ड तरीका है वही तरीका है, यानी कि जो से पहले होते थे वही उसी तरीके से हॉर्न लग रहे हैं, यानी कि जैसे पहले लगते थे वैसे ही अब लग रहे हैं। यानी कि अब मैं आपको इसके वायरिंग का वायर डायग्राम समझाता हूँ कि एक जो वायर है, यानी कि इस साइड में जो है इसकी बैटरी लगा हुई है, वो मैंने आपकी सब कुछ पूरी गाड़ी कंप्लीट कर दी है और टेस्ट ड्राइव के लिए आया था मैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने पक्का लगा दिया है। यहाँ पे जो बैटरी का प्लस वाला जो होता है, यानी कि बोल्ट, यानी कि बैटरी का प्लस वाले से एक वायर आ गई यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक जो इनपुट जो करंट आएगा, यानी कि वो जो चार पिन होती है ना, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, मैं जो आपको समझाऊंगा वायरिंग का तरीका, यानी कि देखो बाइक में तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बाइक की वायरिंग जो थी कंप्लीट कर दी मैंने बिल्कुल एकदम रेडी, यानी कि हॉर्न वॉर्न सेट करके और वायरिंग टेप करके मैंने उसको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बाकी जो वायरिंग का जो कनेक्शन है मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, यानी कि ये जो रिले है आपको रिले दिखा के और कहाँ पे कौन सी तार जुड़ती है ये बताऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ये हॉर्न रिले जो है, ये फ्रेंड स्पार्क मिंडा की ये रिले है, यानी कि हॉर्न रिले। और ये जो कंपनी है स्पार्क मिंडा जो है, ये CDI RR यूनिट रिले फ्लेशर और इग्निशन कोयल ये चीज़ें सारी बनाती है, ये और भी सारी चीज़ें और भी कुछ बनाती है, वैसे इस डब्बे पे जो लिखा है फिलहाल यही कुछ लिखा है। ये जो हॉर्न रिले है फ्रेंड, ये यूनिवर्सल देख रहा हूँ आपके, यूनिवर्सल हॉर्न रिले है ये, और यहाँ पर 30 एम्पियर 4 पिन लिख रहा है ये। ठीक है, SRL ये कोड है इसका 431, क्वांटिटी इसमें 1 है और बाकी इसका जो MRP है ₹82 है इंक्लूड टैक्स समेत। उसकी पैकिंग डेट जो है फ्रेंड मार्च 2020 की पैकिंग डेट है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो मैं इसको करता हूँ अनबॉक्सिंग। वैसे तो ये मैंने पहले ही अनबॉक्स किया था, फिलहाल इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड इसमें एक पर्चा भी निकलता है, पर्चा वो इसका गुम चुका है फिलहाल, और रिले जो निकली फ्रेंड रिले है इस हिसाब। देखो अब मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ कि सब, यानी कि इसका वायरिंग का तरीका जो है, वायरिंग का तरीका, यानी कि जब हम किसी भी बाइक में हॉर्न लगाते हैं तो हमको कैसे करेक्शन करना पड़ता है, यानी कि ये जो चार पिन है इसमें बैटरी की तार कौन सी लगती है, हॉर्न की जो तार होती है, यानी कि गाड़ी में जो हॉर्न लगा होता है उसकी जो तार होती है वो कहाँ लगती है, और इसमें जो आउटपुट करंट जाता है हॉर्न को वो कौन सा कहाँ से जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आपको, ये होता हूँ कि जो बैटरी का जो करंट होता है, यानी कि प्लस वाला जो बैटरी से जो तार लगता है सीधा डायरेक्ट, यानी कि प्लस वायर में जोड़ के, यानी कि उससे जो वायर लगता है वो लगता है इस पिन में, यानी कि ये जो पिन देख रहा हूँ आपके, ये पिन जो है, ये पिन फ्रेंड वो सही है, यानी कि इस पिन में लगता है बैटरी वाला तार। ठीक है फ्रेंड, ये जो साइड की पिन है, यानी कि ये देख रहा हूँ आपके, यहाँ पर इधर 86 लिख रहा है और इधर लिख रहा है 85। ठीक है फ्रेंड, यानी कि 86 और 85 जो है यहाँ पर हॉर्न की तारें लगती हैं। इसमें ठंडा गर्म का कोई सीन नहीं है, आप चाहो तो इधर भी अर्थिंग वाली लगा सकते हो, चाहो तो आप इधर वाली अर्थिंग, इधर साइड भी अर्थिंग लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई सीन नहीं है जो हॉर्न की तार लगती है। बैटरी की जो तार लगती है फ्रेंड, बैटरी की तार इस जगह ही लगती है, ये जो आप देख रहे हो कि ये 30 जो लिख रहा है यहाँ पर को, इसमें तार लगती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात रही ये लास्ट में 87, ये है आउटपुट, यानी कि रिले जो करंट निकालती है वो आउटपुट 87, यानी कि 87 नंबर में जो वायर है वो, ये जो पत्ती है इसमें वो करंट ये निकालती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे जो वायर हैं ये इनपुट है। ठीक है ना, इनपुट यानी कि रिले में करंट जाता है, बाकी इससे बाहर आता है। ठीक फ्रेंड, आप समझ गए होंगे कि बैटरी वाला तार लगेगा इसमें और बाकी जो ये साइड में जो तार है, ये तार जो लगेंगे इसमें हॉर्न के तार लगेंगे, यानी कि हॉर्न के यूनिवर्सल जो तार लगे होते हैं कंपनी के वो तार, और ये आउटपुट, यानी कि जो
नए हॉर्न जो लगाएंगे हम वो तार, ठीक है ना, यानी कि वो जो होते हैं यानी कि जलवा हॉर्न जो होते हैं या कोई से भी रूट्स के हॉर्न हो गए या फिर कोई से मिंडा के हो गए, जो उसमें जो वायर लगेगी करंट की, यानी कि इनपुट जो करंट जाएगा हॉर्न में से और इसमें जो आउटपुट जाएगा वो इस वायर में इस पत्ती से जाएगा और उसमें इनपुट जाएगा, ठीक है, इससे आउटपुट होगा और उससे उसमें हॉर्न में इनपुट होगा, ठीक है, हॉर्न में कूद जाता है और इससे निकलता है करंट, ठीक है। बाकी अर्थिंग का जो रहा, अर्थिंग हम कहीं से भी उसको हॉर्न को लगा सकते हैं, ठीक है, चेजिस से भी लगा सकते हैं, किसी बोर्ड से लगा सकते हैं या फिर किसी वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा रिले का, वायरिंग का, कनेक्शन का सिस्टम, ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे और इस हिसाब से आप हॉर्न लगा सकते हो कोई भी बाइक में, ठीक है फ्रेंड, कोई भी बाइक में आप ऐसे हीरो हॉर्न लगा सकते हो। और ये जो मैंने हॉर्न लगाया है इसमें जलवा हॉर्न लगाया है और ये जो BS6 की गाड़ी आई है सुपर स्प्लेंडर, ये बहुत सी बाइक है, ठीक है फ्रेंड, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सेंसर वाली प्रॉब्लम या फिर कोई चेक इंजन लाइट वाली प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ठीक है फ्रेंड। तो आप इस हिसाब से आप बाइक में हॉर्न लगा सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप इस बात का ध्यान रखना कि आप जब कभी भी हॉर्न लगाते हो तो जरा टाइपिंग तो टाइप जो होती है, यानी कि जहाँ कहीं भी जोड़ लगाओ आप टैप जरा हिसाब से ही करना आप, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, कहीं पानी वानी ना जाए वायरिंग के जोड़ पे और अच्छे तरीके से वायरिंग शॉर्ट आउट ना हो, ठीक है फ्रेंड। तो टैप का आप अच्छे परफेक्ट तरीके से ध्यान रखना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी BS6 की गाड़ियों में, और मैंने इसमें लगाए एकदम मस्त बज रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, ओके फ्रेंड, बाय।